Hey guys and welcome to filler form। तो दोस्तों जब से हमारा एडमिट कार्ड आया है सभी के माइंड में एक टेंशन आ गया है कि सर हमारा एग्जाम सेंटर काफी दूर दिया गया है, तो क्या एग्जाम सेंटर चेंज हो सकता है उस बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले भैया आप लोगों ने अभी तक फिलर फॉर्म ऐप डाउनलोड नहीं किया है, आप लोग फिलर फॉर्म ऐप डाउनलोड कर लीजिए जहाँ पर आपको फ्री मॉक टेस्ट और वहीं हम फिलर फॉर्म का बेस्ट क्रेश कोर्स आपको देखने को मिलेगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो अभी। अब बात करते हैं, तो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक अपना एग्जाम सीडी देख लिया होगा कि आपका एग्जाम कब है और किस सीडी में। जिन्होंने नहीं देखा आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर लिंक जाके आप लोग देख सकते हो। मुझे ज्यादा फीडबैक मिला है, सभी लोग कह रहे हैं कि सर इस बार दूर सेंटर आया, काफी लोगों का 100 किलोमीटर दे दिया, मतलब जहां पर चार ऑप्शन में जो सीटी डाली थी वो भी नहीं आई है। अब देखो यार एक चीज ये बताऊं, अभी आप एनटीयू कॉल करो, मेल करो, उससे कुछ नहीं होगा, एग्जाम सीटी चेंज नहीं होता है। 99% जो मेरा एक्सपीरियंस है चेंज नहीं होगा, बट एक अच्छी बात है कि हमें करीब 5-6 दिन पहले ही पता चल गया, तो आप जाने का वे देख सकते हो कि भाई आपको किससे जाना है, बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, साथ में कौन जाएगा, तो एक प्री प्लानिंग हो सकती है। ऐसा तो हुआ ही नहीं कि आपको ऑन स्पॉट ही दे दिया, जैसे पहले होता था कि कल एग्जाम है और 2 दिन पहले एडमिट कार्ड आया, तो ऐसा तो नहीं है। तो आप लोग प्री प्लानिंग कर सकते हो और आपकी जो एग्जाम सिटी है वो चेंज नहीं होगी गाइस। अब भाई क्या करें यार, एनडीए है, क्योंकि देखो एग्जाम सिटी वो लोगों ने पहले इसलिए अनाउंसमेंट करी क्योंकि आपको आप लोग आने जाने का सब पूरा प्रोग्राम सेट कर लो, ठीक है। और जितने भी 13 से लेकर 22 के एग्जाम होंगे उनके सभी की एग्जाम सिटी आ गई है, और अब चेंज पे ध्यान मत दो। अब ये देखो कि हम लोग कैसे आपको जाना है और कैसे अपना सिलेबस को रिवीजन मॉक टेस्ट पे देना है, और आपका जो एडमिट कार्ड है वो परसों तक आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा जिनका एग्जाम 13 तारीख को है। और धीरे धीरे लाइक एडमिट कार्ड आएंगे, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो एग्जाम सीट भी 2 फेस में ही है, ऐसे ही आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी 2 फेस में आएगा। एडमिट कार्ड के ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो में बना दूंगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो यू डोंट वरी अबाउट इट। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट गाइस।